नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हमने आपको खबर दिखाई थी थोड़ी देर पहले 24 सेक्टर से, जहां लखानी कंपनी में एक युवक की डेड बॉडी मिली है और आप देख सकते हैं अंदर से एम्बुलेंस में उसकी डेड बॉडी लाई जा रही है, लेकिन युवक की शिनाख्त हो चुकी है। पहले हमने बताया था कि पता नहीं है कौन युवक है, अब उसकी शिनाख्त हो चुकी है। 55 सेक्टर का रहने वाला है और कुंदन नाम बताया जा रहा है उसका, शादीशुदा है, लेकिन यहाँ कैसे पहुँचा यह भी कहा नहीं जा सकता। हालांकि परिवार वालों को सूचना दे दी गई है, बिहार का रहने वाला था कुंदन, यहाँ सेक्टर 55 में अपने परिवार के साथ रह रहा था। दो बच्चे हैं, बीबी भी अभी प्रेग्नेंट है जैसा कि बता रहे थे, और देख सकते हैं आप, एक बार बात करेंगे और जानने कोशिश करेंगे। एक बार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, एक बार सर, हाँ पहचान हो गई भाई, कहाँ रहने भाई, एक बार फोन कर लूँ मैं, फोन कर लो सर, हेलो, ये देख सकते हैं अभी ये एम्बुलेंस देख रहे हैं आप, इसी एम्बुलेंस में डेड बॉडी है और अभी बहुत समय से पुलिस प्रशासन अंदर था, लगभग 2 से 3 घंटे हो गए डेड बॉडी निकालने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों इतना समय लग रहा था, ये भी एक सवाल है और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, किसने मारा, क्योंकि यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड भी रहता था जो अभी फरार है। तो ये देख सकते हैं अभी बीके अस्पताल के लिए ले जाया जा रहा है, पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल के लिए ले जाया जा रहा है, एक बार बात करेंगे एसएचओ साहब से। नमस्कार सर, बिहार का रहने वाला कुंदन, अभी कुछ नहीं पता, अभी जान चल रही है, यहाँ सेक्टर 55 रहता भाई। सर अभी कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक गार्ड भी रहता था जो फरार है। हाँ फरार है, हाँ उस पर शक है। सर आपको कैसे सूचना मिली? आज सुबह सूचना मिली इसी कंपनी से, क्योंकि ये तो कंपनी बंद पड़ी और काफी, हाँ 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 हाँ, तो मिली सूचना मिली हमारे को सुबह मिली है, ठीक है। हाँ ठीक, तो आप देख रहे हैं कुंदन, जानकारी क्या था? हाँ जी, मेरा दोस्त है कुंदन, हाँ सेक्टर 55 में रहता है, और इसकी अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है इसकी घरवाली की, इसकी डेथ हो गई है जी। घरवाली ने बताया कि कुंदन की कोई बात होगी लखानी कंपनी में, तो मैं यहाँ आके देखा तो कुंदन की डेथ हुई पड़ी है जी। हाँ यहाँ पर जो गार्ड रहता उसके भी गार्ड का आरोप है जी, गार्ड ने मारा है, गार्ड खुद इस बात को कह रहा मैंने मारा है, और गार्ड ने फोटो व्हाट्सएप करी है मारने के बाद पुलिस वालों के पास, और गार्ड फरार है जी। मतलब गार्ड ने मारने के बाद पुलिस वालों फोटो व्हाट्सएप करके फरार हो गया? हाँ गार्ड फरार है जी, सूचना गार्ड ने दिया, वो कार्रवाई कर रही है पुलिस। कुंदन की उम्र कितनी रहेगी भाई साहब? कुंदन की उम्र होगी जी 35-36 साल का ही होगा कुंदन। तो कुंदन शादीशुदा था? हाँ जी शादीशुदा, दो बच्चे हैं उसके। यहाँ परिवार साथ रहता था, अकेले रहता? सेक्टर 55 में रहता था परिवार के साथ, परिवार अब यहाँ है नहीं, परिवार गांव गया हुआ है। हाँ जी, कुंदन ड्राइव करता था, गाड़ी चलाता था ट्रांसपोर्ट पे। आप लोग जानने वाले हैं? मैं कुंदन का जानने वाला हूँ, कुंदन की वाइफ का फोन आया मेरे पास थाने में जाने के लिए बोला, तो उसके बाद में क्या ना मैं इसके ट्रांसपोर्टर का फोन आया कि भैया आप कहाँ पे हो, आप यहाँ आ जाओ। हाँ जी, घर पे कैसे पता लगा जी इसके पास कोई आईडी? कुंदन के चौकी से कुंदन के पास घर पे फोन गया है, उसकी वाइफ का फोन आया, वो कह रही है चौकी चले जाओ एक बार बात कर लो आप वहाँ जाके। तो गार्ड पर ही पूरा था क्योंकि उसने फोटो व्हाट्सएप की? हाँ जी गार्ड पर ही है जी, और भी बंदे हो सकते हैं जी बीच में, वो तो पता लगेगा। हाँ और भी बंदे हो सकते हैं कि अकेले के बस की नहीं है उसके मारना। अच्छा। हाँ दो चार ही होंगे इसमें। क्या नाम भाई का? मेरा नाम राहुल है। कुंदन का कोई फोटो होगा भाई जी? कुंदन का फोटो तो नहीं है सर मेरे पास इस टाइम, मंगा दूंगा कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको सुबह हमने खबर दिखाई थी, अभी थोड़ी देर पहले लगभग 1 घंटे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी सेक्टर 24 से, ये जो बंद पड़ी कंपनी लखानी की, इसमें एक युवक की डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाता है, और इस युवक के सिर पर किसी चीज़ से वार किया जाता है जिससे उसका सिर फट जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। आप बता दें कि यहाँ लगभग रात का मामला है ये, और रात को यहाँ कुछ ईंटों का जो चूल्हा बना रखा था उस पर भी कुछ खाने पीने का इंतजाम किया गया था, कढ़ाई भी पड़ी हुई थी और यहाँ गिलास नमकीन वगैरह भी पड़ी हुई थी, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी पड़ी थी जिससे शक होता है कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ हुआ था। हो सकता है कि ये जैसा कि बता रहे थे कि जो कुंदन है वो इस गार्ड का दोस्त था, जो यहाँ गार्ड था जो यहाँ रहता था इस कंपनी के रखवाली के लिए, और ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले यहाँ ये जो गेट आप देख रहे हैं ये गेट नहीं लगा हुआ था, ये पूरा ऐसा ही खुला हुआ था, बाद में ये गेट लगाया गया है क्योंकि इसमें लोग गाय बकरी चराते होंगे, गाड़ियाँ भी ले जाते होंगे, खड़ी करते होंगे, तो इस वजह से ये गेट लगाया गया था और यहाँ एक गार्ड को नियुक्त किया गया था, और उसी गार्ड पर पूरी शंका जताई जा रही है कि इसी गार्ड ने उसकी हत्या की है। ये देख रहे हैं सेक्टर 24 में लखानी कंपनी है जहाँ की ये घटना है, और अभी पता लगा है, शिनाख्त हुई है, कुंदन नाम बताया जा रहा है, 35-36 साल की उम्र बताई जा रही है, शादीशुदा है, दो बच्चे भी हैं, बिहार का रहने वाला है कुंदन, सेक्टर 55 में रहता था अपने परिवार के साथ, लेकिन परिवार अभी
बिहार अपने घर गया हुआ था त्यौहार पर, और कुंदन यहाँ अकेला था, गाड़ी चलाता था, ड्राइवरी का काम करता था, दोस्त था इस गार्ड का। और कल रात ना जाने क्या हुआ कि यहाँ कुछ बनाया भी है, चूल्हा भी था जो हमने आपको दिखाया था, ईंटें लगी हुई थी, कढ़ाई थी, कुछ बनाया खाया पिया है, यहाँ शराब भी पी होगी हो सकता है, और कुछ बनाकर खाया होगा, जिसके चलते आपस में कुछ कोई मनमुटाव हुआ होगा या कोई बात हुई होगी जिससे उसने इसकी हत्या कर दी। अब ये जांच का विषय है, पुलिस अभी इसमें कुछ कहना नहीं चाह रही, पुलिस ने बस इतनी जानकारी दी है कि ये कौन था और कहाँ का रहने वाला था, आगे जब गार्ड का पता लगेगा। और जैसा कि बता रहे थे वो जो कुंदन का जो दोस्त है वो बता रहा था कि पुलिस को ही गार्ड ने फोटो व्हाट्सअप किया था उसका और सूचना दी थी कि उसका मर्डर कर दिया है और यहाँ से बोलकर फरार हो गया। तो फरीदाबाद अब देखते हैं इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच का विषय है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है यहाँ से, और पता लगेगा आखिर क्या हुआ था, क्या था पूरा मामला, क्यों उसका मर्डर किया गया। जैसे भी कोई जानकारी मिलेगी आपको ज़रूर बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।